तालिबानी आतंकवादियों का समर्थन न करने का पाकिस्तान का झूठा वादा सोमवार को उजागर हो गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने तालिबान के समर्थन में रैली निकाली। दोनों संगठनों के आतंकियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के हावी होने पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रैलियां अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा एरिया में निकाली गई है। ये इलाके नियंत्रण रेखा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इधर पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर और आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की एक साथ नमाज अदा करते हुए तस्वीर भी पोस्ट की है। इस तस्वीर ने इमरान खान सरकार पर और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के समर्थन में खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान और कई पाकिस्तानी मंत्रियों ने इस मामले पर विवादित बयान दिए हैं। इनका कहना है कि तालिबानी बुरे लोग नहीं हैं, वो सिर्फ इस्लाम सिद्धांतों के मुताबिक अफगानिस्तान पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक स्कूल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें स्टूडेंट तालिबान की तारीफ करते नजर आ रहे थे। वहीं एक टॉप रिपब्लिकन सांसद ने रविवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियों ने तालिबान को बढ़ावा देने और उसे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की इजाजत देने में बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।